फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। और आज मैं बनाने जा रही हूँ मैक्रोनी। तो मैक्रोनी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, आइए बताती हूँ। तो ये हमारा 200 ग्राम मैक्रोनी है और इसमें मैं क्या डालूँगी वो दिखाती हूँ आपको। तो ये हमने थोड़ा सा पत्ता गोभी ले ली, कट कर लिया है बारीक। और ये है शिमला मिर्च, इसको भी मैंने बारीक कट लिया है। और ये है गाजर, इसे भी मैंने बारीक काट लिया है। ये दो गाजर मैंने लिया है। और ये हमने दो टमाटर बड़े साइज के लिए हैं। और ये हमारा एक बड़ा साइज का शिमला मिर्च है और ये मैंने आधी पत्ता भी काट रखा है। और इसके बाद मैं बताती हूँ और क्या डालूंगी। तो ये मैंने थोड़ा सा आधी इंच अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और ये नमक है स्वाद के अनुसार। और ये हरी मिर्च है। और ये है धनिया पत्ता। और ये लाल मिर्च है, लाल मिर्च ऑप्शनल है। आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना हमने शिमला मिर्च और हरी मिर्च पहले से ही ले रखा है। और ये है राई और जीरा और सौंफ जो मैं तड़के में लगाऊंगी। और मैंने थोड़ा सा लिया है ये गरम मसाला और मैं थोड़ा सा डालूंगी चाट पाउडर। तो हमने ये पानी ले रखा है। अब ये पानी को एक पतीली में पानी ले लिया है हमने और इसको मैं बॉईल करूंगी। जब ये उबलने लगेगा तो इसमें हम मैक्रोनी डाल देंगे। तो पानी हमें थोड़ा ज़्यादा ही लेना है क्योंकि मैक्रोनी हमारे पूरे तरीके से भुगना चाहिए उसमें, तो हम पानी थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो मैं पानी में थोड़ा सा एक चम्मच ऑयल डाल दूंगी और थोड़ा सा इसमें मैं डाल दूंगी नमक। जो ऑयल से हमारा क्या होगा कि पास्ता चिपकेगा नहीं एक दूसरे में, और इसलिए मैं ऑयल डाल रही हूँ पानी के अंदर। तो हमारा पानी बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे मैक्रोनी और इसमें मैक्रोनी को डाल देंगे डाल के थोड़ा चला लेंगे इसको और 10 मिनट तक हम पकाएंगे इसको। चला के ढक देंगे और 10 मिनट तक मैं पकाऊंगे। तो हमारा मैक्रोनी हो चुका है और देखिए ऐसे हम चेक कर लेंगे थोड़ा सा इसको दबा के, तो पता चल जाएगा। यदि टूट जाएगा तो हमारा मैक्रोनी उबल चुका है। और ये हो गया है, मैं इसको छान लूँगी। तो ऐसे एक पतीली के ऊपर मैं छन्नी रख दूंगी और इसमें मैं इसको ऐसे करके हम छान लेंगे। तो हमने ये छान लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे पानी निकलने देती हूँ, तब तक रखती हूँ अपना कढ़ाई और तैयार करते हैं इसके बाकी के मसाले। तो हमने कढ़ाई रख दिया है और हम गैस ऑन कर दिए हैं। इसमें मैं डाल दूंगी 2 छोटा चम्मच ऑयल। बाकी अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा, मैं तेल गर्म होने का हम वेट करेंगे। तो इसमें मैं पहले डाल दूंगी 1/2 टीस्पून सौंफ और इसके बाद से जीरा और राई। उसके बाद मैं इसी में डाल दूंगी अदरक जो मैंने कद्दूकस कर लिया था, हरी मिर्च इसको भूनेंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी गाजर, क्योंकि गाजर सख्त होता है इसलिए हमें सबसे पहले डालना होगा क्योंकि पकने में थोड़ा टाइम लेगा। भून लेंगे इसको। इसके बाद से मैं इसमें डाल दूंगी पत्ता गोभी, शिमला मिर्च। हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे, इसको अच्छे से थोड़ा सा 1.5 मिनट तक भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें डालूंगी अब मैं नमक डालूंगी। इसके बाद से मैं डालूंगी जीरा पाउडर और एक चाट मसाला।
इसके बाद से थोड़ा सा हमने गर्म मसाला लिया है, ये डाल देंगे। और मैं थोड़ा सा तीखा मिठाएंगे, इसे हम लाल मिर्ची भी डाल देंगे। इसके बाद से मैं डाल दूंगी इसमें, इन मसाले को हम चला लेंगे और चला के भून लेंगे एक मिनट। तो हमने ये मसाला और इसमें दो मिनट तक मैंने भून लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी पास्ता, और पास्ता डालने से मैं ये पहले बताना चाहूंगी कि इसमें आप जितने भी सब्जियां डालना चाहते हैं वो आप डाल सकते हैं। मटर हो गया, बीन्स हो गए, या कुछ और भी, मतलब जो आप अपने पसंद के हिसाब से, जो आपके बच्चे नहीं खाते हो तो इसमें आप डाल के खिलाएं तो आसानी से बच्चे खा लेंगे। तो मैं अब इसमें पास्ता को डाल देती हूँ। ये देखिए हमारा पास्ता डाल देंगे इसमें। तो हमने अपना पास्ता डाल लिया है, अब डाल के मैं इसमें मिक्स कर लूँगी और अच्छे से चला लूँगी इसको। अब इसको हम 2 से 3 मिनट ढक के पका लेंगे। और इसको ढकने से पहले मैं इसमें डाल दूँगी टमाटो सॉस 2 बड़े चम्मच, और आप चाहे तो इसमें चिली सॉस और डाल सकते हैं, पर मैं चिली सॉस नहीं डाल रही हूँ, मैं टमाटो सॉस ही डालूँगी। और इसको चला लेंगे। इसके बाद से मैं इसमें थोड़ा डाल दूँगी धनिया पत्ता। अब 2 मिनट और पका लेंगे। हमने 1 से 1.5 मिनट इसको पका लिया है, वापस मैक्रोनी डाल के अब मैं चेक कर लेते हैं। और देखिए हमारा ये मैक्रोनी अच्छा से हो गया है। अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। तो हमने ये सर्व कर लिया है मैक्रोनी। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। Yeah.